हमीरपुर शहर में फ्रूट और सब्जी की दुकानों पर ग्राहकों से मनमर्जी के दाम वसूलने की कई शिकायतें प्रशासन के पास पिछले दो दिनों में पहुंची थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए डीसी के निर्देशों पर जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक शिवराम राही ने और तहसीलदार सदर राजीव ठाकुर की अगुवाई में टीम ने सुबह शहर के अलग अलग इलाकों में फ्रूट सब्जियों की दुकानों पर छापेमारी की। इन दुकानों पर खामियां पाए जाने और मनमाने रेट वसूले जाने को लेकर सब्जियां और फ्रूट भी मौके पर ही जब्त कर लिए गए। गांधी चौक के पास एक सब्जी की दुकान को बकायदा सील कर दिया गया। शहर में आलू और प्याज के दामों में 10 से 25 रुपए की बढ़ोतरी करके बेचे जाने पर भी ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अधिकतर दुकानों पर रेट लिस्ट भी गायब पाई गई, जिसे लेकर भी तहसीलदार और खाद्य पूर्ति अधिकारी ने कड़ी चेतावनी देकर ऐसे दुकानदारों को छोड़ा है। जी, मुझे तो ऐसी कोई सामने देखने में कोई चीज ऐसी आई नहीं है, बट मुझे डीएफएससी और तहसीलदार साहब दौरा करते हुए रास्ते में मिले सड़क में, तो वो बोलते हैं कि लोग कुछ ओवर प्राइस करके बेच रहे हैं। तो अगर ऐसी कोई बात है तो ये मुझे लगता है कि मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि ये बहुत दुर्दशा वाली बात है कि अगर ऐसे लोग कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग करके बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो अपने लोगों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए, सामान सप्लाई करने के लिए सिर्फ हम लोगों की, व्यापार मंडल की और सारे दुकानदारों की यही जिम्मेवारी बनती है। और अगर ऐसी कोई बात है तो ये बुरी बात है और इस पर अंकुश लगाना जरूरी है।